आतंकवाद के खिलाफ जांच कर रही देश की आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादियों के ऊपर किया है कड़ा प्रहार। 3 आतंकी और उनके सहयोगियों समेत जो कि कुल संख्या है 5, उनके खिलाफ इनाम घोषित किया है। 2 प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी रिंदा और लांडा, उनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा उनके 3 सहयोगियों पर भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनाम घोषित किया है। मतलब साफ है कि देश के किसी भी कोने में अपराध को अंजाम देकर ये खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी विदेश में रह रहे हैं और अपने मंसूबों को देश विरोधी ताकतों की मदद से अगर अंजाम दे रहे हैं तो अब उन पर देश की जांच एजेंसियों का जो पहरा है वो बेहद कड़ा हो गया है और उन पर शिकंजा कस गया है। दरअसल एनआईए को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक पिछले 2 सालों में सख्त कार्रवाई इन पर हुई है। लांडा, रिंदा और इसके अलावा अन्य खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी जो बीकेआई खालिस्तानी संगठन है उसकी और धार दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो और खालिस्तानी संगठन है उसको भी यह आतंकवादी धार दे रहे हैं। तो अब एनआईए को जो सबूत मिले हैं, देश भर में चोट खाने के बाद इन्होंने नए सिरे से अपने नेटवर्क को तैयार किया था और ये उन गुर्गों को तैयार कर रहे थे जो इनके नाम पर फिरौती का रैकेट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में चला सके और ये लोगों को एहसास करा सके कि आखिरकार खालिस्तान मूवमेंट जिंदा है। लेकिन लगातार भारतीय जांच एजेंसियों, भारत के में जो राज्यों की पुलिस है उनकी सक्रियता से खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादियों के यह मंसूबे अंजाम नाकाम होते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में एनआईए ने यह 10 लाख का इनाम घोषित किया है। इससे पहले भी मोस्ट वांटेड जो लिस्ट है उसमें भी रिंदा और लांडा का नाम था और अब यह जो 10 लाख का इनाम बढ़ाया गया है ये एक और कदम है उनके ऊपर शिकंजा कसने का। इसके बाद एनआईए उन देशों में जिनमें कनाडा शामिल है, जिनमें ब्रिटेन शामिल है, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसके अलावा अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, यहां पर इनकी सरकारों से, इनकी जांच एजेंसियों से संपर्क करेगी और इनसे गुजारिश करेगी कि जो इनके सहयोगी हैं तुरंत इनका प्रत्यर्पण किया जाए या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब गिने चुने दिन बाकी हैं और इनका सबसे बड़ा जो पैरवीकार है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके ऊपर भी यह कड़ा प्रहार है क्योंकि आखिरकार पन्नू करता तो काम इन्हीं के लिए है और अब भारत एनआईए का ये कदम ये दिखाता है कि पूरी तरीके से इनके ऊपर जो शिकंजा है वह कसा जा चुका है।